आपने अभी सोशल मीडिया पे वो वीडियोस देखे हैं जिसमें कोई खाने में थूक रहा है? ये लोग हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये जो थूक का वीडियो आता है, अब आपने सबने देखे होंगे। इस देश का मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। जो भी पॉलिसी आती है सबसे ज्यादा यूथ मुसलमान करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान, कैमरामैन राम अवतार के साथ। आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। सावन के पावन महीने के साथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाती है। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी में चल रहे विवाद के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहां योगी सरकार के एक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रोक लगा दी है। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहाँ कभी कोई खाने में थूकता दिखाई देता है तो कभी कोई हिंदू समाज के नाम से मुस्लिम ढाबा चला रहा होता है। इन्हीं सब के चलते हुए योगी सरकार ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाली सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का फैसला लिया, जिस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आज जनता से जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये रोक लगाने का फैसला आखिर कितना सही है। क्या ये हम हिंदुओं की या फिर किसी भी आम आदमी की चॉइस नहीं होनी चाहिए कि हमें किससे सामान खरीदना है और किससे नहीं? आइए जनता से जानते हैं कि इस बारे में उनकी क्या राय है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, ये कितना सही है? आपने अभी सोशल मीडिया पे वो वीडियोस देखे हैं जिसमें कोई खाने में थूक रहा है? ये जो मुस्लिम समाज ये जो हम लोगों के साथ कर रहा है, सब देखा है आपने? तो आपको ये जो योगी सरकार का फैसला है वो पता है, जो अभी कांवड़ रूट पे हुआ, तो ये योगी सरकार ने ठीक किया था क्या? बिल्कुल ठीक किया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा कर गलत किया। ये गलत है क्योंकि ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा निजी अधिकार है। ये हमारा अधिकार है, हम किससे सामान खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, तो हमारा अधिकार है। हाँ। इसमें दखलंदाजी होनी नहीं चाहिए थी सबसे पहली बार। योगी सरकार ने जो किया वो क्योंकि ये आस्था का विषय है, धर्म का विषय। तो धर्म और आस्था के विषय में अगर कुछ लोगों का इंटरफेयर ना हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि हम किसी की आस्था और धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करते। बिल्कुल। तो हमारे धर्म और हमारी आस्था के साथ भी खिलवाड़ नहीं होगा। मैं जब पढ़ता था कॉलेज में, मुझे याद है हमारे एक उपराष्ट्रपति हुआ करते थे हामिद अंसारी साहब। तो जब वो अपना पद छोड़ा था उन्होंने, तो उन्होंने एक स्पीच दिया था, मुझे आज भी याद है, कि इस देश का मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। तो मैं उन सर से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, सर जिस देश ने आपको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठाया, आप उस पोस्ट से हटने के बाद ये बात कह रहे हो, आपको शोभा देती है, आपका समाज आपको सुनता है, अगर आप ये ऐसी बात कहेंगे तो क्या प्रभाव डाल रहे हैं आप, क्या छाप छोड़ रहे हो आपकी सोसाइटी को? आपने 5 साल सत्ता का सुख भोगा, वाइस प्रेसिडेंट आप रहे देश के, उसके बावजूद आप ये कहते हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ नीचे से नहीं, ये चीज़ ऊपर से है। तो ये ऊपर के लोग को भी ऐसा ही लगता है कि हम सुरक्षित नहीं है। बाकी यो आनंद ये पूरे लेते हैं हर चीज़ के। हामिद अंसारी साहब ने पूरे प्रोटोकॉल के मजे लिए, 5 साल उन्होंने कार्यकाल भी पूरा किया, उसके बावजूद उन्होंने ऐसा कहा, उन्हें शोभा नहीं देता है। क्योंकि ये तो हम लोगों का मौलिक अधिकार है ना कि हमें किससे खरीदना है और नहीं खरीदना। वो तो सही है, लेकिन जैसे मान लो कि इसमें क्या होता है कि जैसे अपने हिंदू हूँ, तो अगर मैं हिंदू नाम की अगर प्लेट लगा दूँ तो मुझे क्या जो भाई, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर मुंबई भी अगर वो अपने नाम की अगर वो लगाता है तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इवन तो आपको ये और मैं बता दूँ, जितने हिंदू भाइयों के, जितने हिंदू जो ये है अपने, उनके पास इतने कागज नहीं मिलेंगे जितने इन मुसलमानों के पास मिलेंगे। आप कुछ भी चीज़ ले लीजिए, और जो भी पॉलिसीज आती है सबसे ज़्यादा यूथ मुसलमान करते हैं। हमारे में देख लीजिए, हम ना तो इसमें अभी योजना के लिए अपने चिरंजीव को आपने इसमें आयुष्मान कर दी, अभी मैंने भी नहीं कराई, इन्होंने तुरंत चेंज होने के बाद तुरंत करा ली इन्होंने। ये लोग हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये जो थूक का वीडियो आता है, अब आपने सबने देखे होंगे। एक मैं देख रहा था, अभी देख रहा था, वो एक कुछ मसाज कर रहा था बंदा, उसमें वो बंदा थूक कर उसको वैसे कर रहा था, तो बिल्कुल गलत है। तो ये हम तो नहीं करते ऐसा, अपना है नहीं मैडम, अपने ये धर्म में नहीं लिखा हुआ कहीं ऐसे कोई किसी का गलत करना या कुछ कैसे करना। अब ये है कि मतलब ये अपने नाम में चेंज कर रहे हैं, तो ये थी जनता की राय। अब आप ही हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है कि हमें किससे सामान खरीदना है या और किससे नहीं, ये हम खुद डिसाइड करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए रिपोर्ट भारत। ऐसे और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।